अपना इसका नाम रोशन किया है। काफ़ी अच्छा लगा सर सीएम सर से मिलके, एंड कॉन्ग्रेट्स दी उन्होंने और बात करके काफ़ी अच्छा लगा हमें। और अभी एक और प्रोग्राम है 17 को जो रखा है रोहतक में, वहाँ पे भी बुलाया उन्होंने सरकार की तरफ से। आपको जी क्या कहना चाहेंगे सीएम साहब? अभी मैंने देखा नहीं, उन्होंने जॉब के बारे में बताया कुछ और अभी देखा नहीं मैंने, बट काफ़ी मतलब काफ़ी थैंकफुल हूँ मैं उस चीज़ का। सम्मानित किया जाता है तो खिलाड़ियों का हौसला बढ़ता है। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। एक सरबजीत जी, किस तरीके से सरकार से आप मिलने आए हैं, तुरंत ही जो खेल नीति है ऊपर लेटर की बात हो, सब कुछ जो आगे प्रोत्साहन मिलता है उसमें कितना योगदान आपको लगता है कि सरकार का माने सर? जितना हर टाइम पे कोई भी, मैंने आज तक सुना नहीं कि हरियाणा से ऊपर कोई है, मतलब अगर वो कैश अवार्ड की बात करें, जॉब की बात करें, मतलब काफ़ी नेक्स्ट लेवल है वो चीज़। सबसे ज़्यादा अगर कोई दे रहा है इनाम तो हरियाणा, हरियाणा मतलब उसकी बात करें तो हरियाणा परफॉर्मेंस में भी हरियाणा ही ऊपर है, तभी आपको तभी मेडल्स आते हैं, तभी इंडिया के ज़्यादा मेडल्स हरियाणा की तरफ से ही आते हैं मोस्टली। थैंक यू। लग रहा है आज सम्मानित किया जा रहा है सरकार की तरफ से, और किस तरह का स्वीकार है, क्या कहेंगे कि हरियाणा सरकार सबसे ज़्यादा देश में अगर सम्मानित कर खिलाड़ी? जी बहुत अच्छा लगता है सीएम साहब से मिलना, और जैसे बहुत हमारी पॉलिसीज़ हरियाणा की काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहती हैं हमेशा ही। मेरे ख्याल से हरियाणा एक ऐसा प्रदेश है जो बहुत सारे एथलीट्स और बहुत अच्छे अच्छे एथलीट्स को निकालता है, और देश के लिए वो पदक लेकर आते हैं। तो मुझे लगता है कि कुछ तो कुछ हरियाणा अच्छा ही कर रहा है, जिसकी वजह से हरियाणा के खिलाड़ी इतना आगे बढ़ पा रहे हैं। पर मुझे लगता है कि इससे हमें और भी आगे बढ़ना चाहिए, यही नहीं रुकना चाहिए, और आगे भी और भी तरक्की की और भी उम्मीदें हैं, और भी यू नो मतलब हम और भी तरक्की कर सकते हैं। जी अभी तो मैं 22 साल की हूँ, तो अभी कुछ समय पढ़ाई करूँगी, उसके बाद सोचते हैं कि कैसे मेडल आए अभी तक देश के। उनमें से 4 जो हैं उनके अंदर हरियाणा के खिलाड़ियों का योगदान है, चाहे हरियाणा की खेल नीति चाहे हरियाणा के खिलाड़ी, जितना आप मानते हैं पूरे देश में छा रहे हैं। पहले तो मुझे लगता है हरियाणा के मतलब लोग ही इतना ज़्यादा स्पोर्ट्स को इंजॉय करते हैं, पसंद करते हैं, और जो कल्चर हमारा बना हुआ है कि मतलब हम खाना बहुत अच्छा खाते हैं, घर का खाना देसी बिल्कुल, और माँ बाप भी बिल्कुल बचपन से ही स्टेडियम में लेके जाते हैं कि खेलो कूदो, मतलब ऐसे ही तो ग्राउंड होते हैं, हम सब बचपन से ही खेलते आए हैं। तो मेरे ख्याल से एक तो कल्चर जो है वो बहुत अच्छा है, और उसके बाद फिर ऊपरी लेवल पर सपोर्ट भी हमें काफ़ी अच्छा मिला है, जैसे सरकार की तरफ से भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो बहुत जिन्होंने फ़ायदा दिया है। तो मैं कहूँगी कि एक तो कल्चर बहुत बेहतरीन रहा था, और फिर सपोर्ट भी मिलना उतना ही ज़रूरी है। एक रिकॉर्ड, एक ओलंपिक के अंदर डबल जो मेडल हैं इंडिविजुअल वो आपने जीते हैं जी, 2 गोल्ड अभी भी रहते हैं, नीरज जो है वो सिल्वर लेकर आ गए, 2 गोल्ड की अगली बार उम्मीद करें मनु भाकर से? देखिए तो यही सोचती हूँ कि कोई भी खिलाड़ी जब देश छोड़कर बाहर जाता है देश के लिए खेलने के लिए, तो उसका टारगेट गोल्ड ही रहता है, और मेरी भी यही इच्छा रहेगी कि मैं अपने देश के लिए गोल्ड जीतूं, और मैं उसी की तैयारी में ही, हालांकि इस बार भी उम्मीद थी कि और भी बेहतर होगा, पर जैसे बहुत ही नेक टू नेक कंपटीशन रहा, पर उतनी ही ग्रेटफुल हूं कि मैं 2 मेडल ब्रॉन्ज जीत पाई अपने देश के लिए। पर हाँ डेफिनेटली सर, उम्मीद तो हमेशा गोल्ड की करते हैं, तो देखते हैं आगे।